largest human congregation on earth, the Kumbh, began this morning with a holy dip at the Sangam of the Akharas. Prayagraj is immersed in devotion and colour as it welcomes nearly 130 million people during the course of the festival. Kumbh has been accorded the status of Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO. Kumbh Mela began with the first Shahi Snan, or holy dip, of the Akharas at Prayagraj. The largest human congregation in the world, about 130 million pilgrims and tourists, are expected to take part in the festival. Bhartiya parampara ka ek adbhut कुंभ है. विश्व में ऐसा कुंभ कहीं नहीं लगता है. आज मैं देख रही हूँ, पहले निकलती थी लेकिन आज मैं अखाड़े के साथ निकल रही हूँ. तो मुझे लग रहा है कि ये हमारी पुरानी परंपरा, जब समुद्र मंथन हुआ होगा, अमृत गिरा होगा, और जहाँ जहाँ अमृत कलश से गिरा वहाँ कुंभ लगते हैं. The belief is that a holy dip at the Sangam, that is a confluence of the rivers Ganga, Yamuna and Saraswati, will pave the way for salvation. महत्वपूर्ण है यहाँ पे आना. बहुत काफी लंबा था, चल के आए लेकिन बहुत मजा आया, अच्छा लगा. फर्स्ट टाइम आए हम कुंभ में. हम लोग मकर संक्रांत इसलिए मनाते हैं कि हमारे पूरे देश में शांति मिले और सब खुश रहे, इसलिए आते अपने गुरु से. और सब साधुओं का मिलन होता है, वही संगम होता है. ये जो संगम है ये पारंपरिकता से ही पवित्र रखते हैं. इस पवित्र स्नान करने से पुण्य प्राप्ति होता है. इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी. आई एम नॉकिंग एट द एज ऑफ 70, सो आई एम कमिंग टू बाथ इन दिस होली रिवर. दिस इज कॉल्ड इन संगम. आई एम कमिंग फ्रॉम कलकत्ता. Special and elaborate arrangements have been made with tight security for the festival. Besides seers and saints, foreign tourists are also at Prayagraj for the festival. For the convenience of pilgrims and tourists, the Uttar Pradesh government is laying special emphasis on cleanliness and hygiene. The state government has built toilets, placed dustbins and revamped the drainage system. The administration has set up over 1 lakh toilets. 40,000 से ज्यादा एलईडी लाइट्स यहाँ पे लगे हैं. 1,00,000 से ज्यादा शौचालय निर्मित किए हैं. 20,000 से ज्यादा डस्टबिन डिप्लॉय किए हैं. स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना की गई थी. 26,000 से ज्यादा कर्मचारी यहाँ पे तैनात हैं. वो आईसीटी बेस्ड मॉनिटरिंग स्वच्छता की व्यवस्था की हो रही है. 5.5 किलोमीटर घाट विकसित किए हैं. घाटों में सारी व्यवस्थाएं वहां भव्य करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है. फायर से लेके जल पुलिस से लेके ट्रैफिक के लिए अत्याधुनिक इक्विपमेंट डिप्लॉय किए गए हैं. इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विकसित किया गया है. 500 से ज्यादा कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ हो रहे हैं. 7 से ज्यादा कल्चरल पंडाल यहाँ बनाए गए हैं. 20,000 से ज्यादा लोगों को रुकने के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं. और ये भी कोशिश है कि जो हमारे करीब 15 से ज्यादा एग्जीबिशन हैं, जो विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, विभिन्न हमारे कुंभ के बारे में हमारे इतिहास है, धरोहर है, सांस्कृतिक चीजें हैं, उनको हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं इनके एग्जीबिशन में. फॉर द विजिटर्स ऑफ द मेला, मोर देन डबल द नंबर ऑफ सैनिटरी स्टाफ हैज ऑल्सो बीन डिप्लॉयड कम्पेयर टू लास्ट टाइम. अलॉन्ग विद द बिल्डिंग ऑफ टॉयलेट्स एंड अरेंजमेंट्स फॉर बेटर वेस्ट मैनेजमेंट, special campaigns are also underway to ensure that the banks of the Ganga remain clean and pollution free. The Indian Railways has made special arrangements for special trains to handle the rush of pilgrims. 5 special trains have been announced. The festival ends on March 4th. With inputs from Navvikram Singh, Bureau Report, Rajya Sabha TV.